नमस्कार साथियों, मैं हंसराज गुज्जर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना। साथियों, आज जो अपन बात करेंगे वो राजस्थान पुलिस और पटवार की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक सरलीकरण यानी कि सिंपलिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, सरलीकरण जो है सिंपलिफिकेशन है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि कोई भी चीज को सोल्व करना हो तो जैसे अगर अपने पास ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट आ जाए 18 प्लस मझला ब्रैकेट आ जाए 13 प्लस 8 गुणा 4 प्लस 5 माइनस 3 और इस तरीके से ब्रैकेट आ जाए, तो इसका मतलब यहां पे ये जो ब्रैकेट आ गया इस ब्रैकेट को सोल्व करना हो, इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो इस क्वेश्चन को एक तो अपन जैसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि जैसे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो इसका मतलब 18 प्लस 13 कितना हो गया, 18 प्लस 13 31 हो गया। 31 को 8 से गुणा किया, फिर उसके बाद में उसको 4 से गुणा, 31 में 8 जोड़ा, उसके बाद में उसको 4 से गुणा किया, फिर उसमें 5 जोड़ा, फिर उसमें 3 घटा। तो अगर इस प्रकार से करते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर भी सही है, लेकिन कौन सी स्थिति में सही है, जब क्वेश्चन में यह बोला गया हो कि विदाउट बोर्ड मास सोल्व करो, यानी कि बोर्ड मास की सहायता के लिए बगैर सोल्व करो। अब इस क्वेश्चन का ये तो हो गया बोर्ड मास की सहायता के बिना आंसर, लेकिन मेरे प्यारे साथियों बोर्ड मास की सहायता से या फिर इसका सही आंसर निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे, तो सही आंसर निकालने के लिए बोर्ड मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे सर बोर्ड मास होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बोर्ड मास क्या होता है, तो बी ओ डी एम ए एस, तो ये बोर्ड मास लिख दिया। कई प्यारे साथी क्या लिख देते हैं इसको वी बोर्ड मास भी लिख देते हैं, जो कि गलत नहीं है, चाहे बोर्ड मास बोल दो चाहे वी बोर्ड मास बोल दो, क्योंकि बोर्ड मास में मैंने जो ब्रैकेट लिखा है इसमें रेखा बंधनी को भी काउंट कर लिया, वी बोर्ड मास में वॉयलेट रेखा बंधनी को अलग से काउंट कर लिया जाता है। तो इस बोर्ड मास में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट, ठीक है, और बी का मतलब ब्रैकेट हो गया पहले साथ, तो ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, कोष्टक। और सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कोष्टक में सबसे पहले जो सोल्व करेंगे वो रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे, और रेखा बंधनी को सोल्व करोगे तो रेखा बंधनी में सोल्व करने का कोई नया प्रोसीजर नहीं है, उसके अंदर के जो चिन्ह है उनके हिसाब से कैलकुलेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो। जैसे यहां पे ये रेखा बंधनी है तो यहां पे रेखा बंधनी है तो 4 + 5 यानी कि ये 9 पहले हो जाएगा, 4 + 5 यानी कि ये 9 क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, बाकी और कोई नया प्रोसीजर नहीं। फिर उसके बाद ये छोटे ब्रैकेट को, तो मेरे प्यारे साथियों छोटे ब्रैकेट को भी अगर सोल्व करना हो तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर की जो कैलकुलेशन है उसको सोल्व करो। फिर उसके बाद में छोटे ब्रैकेट के बाद में जो है ना, बाद में किसको, मझले ब्रैकेट को, जैसे ये जो ब्रैकेट हो गया ये कौन सा हो गया, मझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में किसको, बड़े ब्रैकेट। तो ये तो हो गया बी, बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, कोष्टक का मतलब सबसे पहले रेखा बंधन, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और सबसे अंत में जो है वो क्या है, बड़ा ब्रैकेट। फिर इसके बाद में ओ, ओ का मतलब क्या हो गया पहले साथियों, ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब क्या हो गया, का, और का मतलब क्या हो गया, गुणा। अब ये गुणा जो है ये एक तो ऑफ वाला आता है और एक मल्टीप्लाई वाला आता है, तो ऑफ वाले का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास आ जाएगी 50 का 40%, तो मेरे प्यारे साथी 50 का 40%, तो इसका मतलब उस का में क्या आ गया, गुणा आ गया, तो इसका मतलब वो का वाला गुणा इस बात से भी क्या होता है, पहले सोल होता है, उसके बाद में आगे जो आ गया वो क्या आ गया, डिवाइड आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों आगे डिवाइड आ गया, तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, भाग, और ये भाग हो गया, ये डिवाइड का मतलब भाग हो गया, तो इस कावाले गुणा है, इस कावाले गुणा के बाद में क्या सोल होगा, भाग सोल होगा। उसके बाद में ये क्या आ गया, एम आ गया, एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, गुणा,
तो इसका मतलब इस भाग के बाद में आगे जो सोल्व करेंगे वो किसको सोल्व करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे, उसके बाद में सब इसके बाद में ऐड को सोल्व करेंगे यानी कि एडिशन को जोड़ को, फिर सबके बाद में जो है ना सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि किसको सोल्व करेंगे बाकी। तो मेरे कहने का मतलब ये इनके सॉल्यूशन का क्या होता है, क्रम होता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को कोष्टक को उसमें रेखा बन रही, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा, फिर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो गया, का कावड़ा गुणा, उसके बाद में डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद में एम का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद में ए का मतलब एड यानी कि जोड़, उसके बाद में एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि क्या हो गया, बाकी हो गया। तो इसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें, तो जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास अपने सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के बारे में अपन ने सबसे पहले जिक्र किया था, तो इसमें सबसे पहले रेखाबंधनी को सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये रेखाबंधनी है, क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता है ब्रैकेट को, ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सोल्व करना है, रेखाबंधनी। तो ये रेखाबंधनी है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, 18 प्लस 13 प्लस 8 गुणा 9 माइनस क्या हो गया, क्योंकि 8 गुणा 9 कैसे कर दिया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये क्या था 5, 4 प्लस 5 के ऊपर रेखा बंधनी थी, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो 8 गुणा 9 माइनस क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे जो सोल्व किया इसको, तो ये 18 प्लस 13 प्लस 9 इंटू कितना हो गया 72 माइनस क्या हो गया 3, ठीक है। इसके बाद में इसी रेखाबंधनी वाले गुणा को सोल्व किया, 72 में से 3 घटा, तो यहां पे ये क्या हो गया 18 प्लस 13 प्लस 72 में से जैसे 3 घटाए, तो मेरे प्यारे साथी ये क्या हो गया 69 आ गया, 79 आ गया, 69 आ गया। फिर उसके बाद में आगे सोल्व किया, तो 18 प्लस इस 69 में जैसे 13 जोड़ा, तो अपना जो आ गया वो कितना आ गया 82 आ गया, और फिर इसको आगे सोल्व किया तो अपना आंसर जो आ गया कितना आ गया 100 आ गया। और ये तो अपन ने इसको रेगुलर स्टेप लेकर के किया, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके बीच का स्टेप खा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, रेखा बंधनी को सोल्व किया, फिर का लिए, तो यहां पे 5 प्लस 4 9 हो गया, फिर 8 गुणा 9 इंटू 72 हो गया, 72 में से 3 घटाए कितना है 69 है, तो फिर 13 प्लस 69 कितना हो गया 82, और 18 प्लस 82 यानी कि क्या हो गया 100, तो ये अपना क्या आ गया।